नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू योगी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल योगी एजुकेशन वर्ल्ड में। दोस्तों, हम पिछले टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं अनुवाद प्रकरण को आगे। दोस्तों, हमने पिछले टॉपिक में कुछ बेस पढ़े थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ वाक्यों का यहाँ पर संस्कृत अनुवाद करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक हमें शेयर करें। दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ, जिससे कि शिक्षा से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज हम आप तक पहुंचाते रहें और साथ ही साथ फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट से संबंधित महत्वपूर्ण जीके के वीडियो भी आपको समय समय पर उपलब्ध कराते रहें। और ख़ासकर दोस्तों, संस्कृत वाले लड़कों के लिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि संस्कृत कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का जो सारा सिलेबस है, मैं यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध कराऊंगा और बहुत ही आसान और ट्रिक्स के माध्यम से। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अनुवाद प्रकरण। दोस्तों, पहले बात करते हैं, देखिए पहला वाक्य क्या है, छात्र बस से विद्यालय जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, छात्र छात्र से क्या हो जाएगा, छात्र है, छात्र से हो जाएगा छात्र है, बस से। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, बस से तो बसयान संस्कृत में बोलेंगे, लेकिन अब यहाँ पर देखो बस क्या है, बस है जाने का साधन, यानी साधकतम करणम सूत्र से बस में कौन सी व्यक्ति हो जाएगी, तृतीया, करण में कौन सी होती है, तृतीया, तो बस यान हो गया तृतीया, इसलिए इसमें हो गई तृतीया। अब विद्यालय क्या हो गया, कर्म, क्योंकि कर्तुरीप्सित तमम कर्म है, यानी कर्ता क्रिया द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहे उसे क्या कहते हैं, कर्म। तो यहाँ पर कर्ता है छात्र, क्रिया है गच्छति, तो गच्छति यानी जाने की क्रिया में छात्र कहाँ जाना चाहता है, विद्यालय जाना चाहता है, इसलिए विद्यालय में क्या हो गई, द्वितीय विभक्ति यानी कर्म कारक। और दोस्तों, धातु हो गई गच्छ धातु, वैसे गम धातु है, गच्छ से रूप चलते हैं। तो छात्र, मैंने कहा था कि जिस भी पद में प्रथमा विभक्ति होगी क्रिया उसी के हिसाब से होगी। तो यहाँ पर देखिए, बसयान में तृतीय है, विद्यालय में द्वितीय है, तो बचा क्या, छात्र, छात्र में क्या हो गया, प्रथमा, तो छात्र के हिसाब से क्रिया होगी। और छात्र में छात्र कौन सा पुरुष है, तो पुरुष के लिए मैंने बताया था पिछले वीडियो में, उसको जरूर देखिएगा, उसको मैं समझाया था पुरुषों को कैसे होता है, यानी मैं उत्तम, तुम मध्यम और बाकी सब प्रथम। तो यहाँ तो ना तो मैं हूँ ना तुम हो, ये बाकी सब में है, इसलिए छात्र क्या हो गया, प्रथम पुरुष। तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्या लगेगा, लट लकार में ती, तो बन जाएगा गच्छति। तो छात्र बसयान है, बसयानेन विद्यालयम गच्छति। आगे देखते हैं दोस्तों, मोहन कलम से लिखता है, तो मोहन, मोहन कर्ता हो गया, तो कर्ता में प्रथमा मोहन है, कलम से लिखता है, तो यही साधकतम करणम, तो कलम से, तो कलम से के लिए जाएगा कलमेन तृतीया में, और लिखने में लिख धातु है, और प्रथमा व्यक्ति किसमें है, मोहन में, तो इसी के अनुसार क्रिया होगी। तो मोहन के अनुसार क्रिया होगी, मोहन कौन सा पुरुष, प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन के लिए क्या होगा, ती, तो मोहने कलमेन लिखती, तो हो जाएगा मोहने कलमेन लिखती। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों, सीता राम के साथ वन जाती है। तो यहाँ पर देखो, सीता, सीता को लिख दिया सीता, और राम के साथ, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सह, साथ माने सह, सहव्य का प्रयोग होगा, और सह के युग में तृतीया विभक्ति होती है, यानी सह साकम सार्धम समम सहयुक्ते अप्रधाने, तो सह के युग में अप्रधान कारक में तृतीया विभक्ति होती है। तो यहाँ पर सीता प्रधान हुआ, अप्रधान हुआ राम, तो सह के युग में राम में कौन सी हुई, तृतीया विभक्ति। तो देखिए, सीता रामेण सह, सीता राम के साथ वन को जाती है, वन को हो गया कर्म, तो वनम, और जाने में गच्छ, और प्रथमा विभक्ति किस में है, सीता में है, तो प्रथमा के हिसाब से गम धातु में क्या हो जाएगी, ती लग जाएगी, तो क्या बन जाएगा, गच्छति, सीता रामेण सह वनम गच्छति। आगे देखते हैं दोस्तों, यजमान पंडित को वस्त्र देता है, तो यजमान पंडित को वस्त्र देता है, तो देखिए दोस्तों, यजमान, यजमान का हो गया यजमान है, पंडित का, पंडित को, देखिए यहाँ पर दान दे रहा है, तो इसमें दोस्तों पंडित में चतुर्थी विभक्ति आएगी, कि कर्मणा, देखिए दोस्तों इसमें चतुर्थी विभक्ति, कर्मणा यम अभिप्रेति सह संप्रदानम, ये सूत्र होता है दोस्तों, कर्मणा यम अभिप्रेति सह संप्रदानम, अर्थात दोस्तों देने की क्रिया में
कर्म द्वारा जिसे प्रसन्न किया जाए उस कारक की संप्रदान संज्ञा होती है, अर्थात देने की क्रिया में। यहाँ पर देना क्या हो रहा है, वस्त्र दे रहा है, तो वस्त्र देने की क्रिया में कर्ता कर्म द्वारा जिसे प्रसन्न किया जाए, तो यहाँ पर कर्म द्वारा जिसे प्रसन्न किया जाए, किसको प्रसन्न किया जा रहा है, पंडित को प्रसन्न किया जा रहा है, तो इसमें कौन सी व्यक्ति होगी, चतुर्थी व्यक्ति होगी दोस्तों। तो इस तरह से इसमें, तो इस तरह से दोस्तों पंडित की चतुर्थी हो जाएगा पंडिता है, वस्त्र देता है तो वस्त्र का हो गया वस्त्राणी, और देने यानी ददाति, तो बन जाएगा दोस्तों यजमान है पंडिताय वस्त्राणी ददाति। यहाँ पर देखो दोस्तों जो वस्त्र देता है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर कर्ता क्या हुआ, यजमान, कर्ता क्या हुआ, यजमान। वैसे ही देखिए कि प्रथम व्यक्ति किसमें है, यजमान में, प्रथम व्यक्ति यजमान में है, इसीलिए यजमान के हिसाब से क्रिया होगी, इसलिए ददाति प्रथम पुरुष एक वचन आया है, यहाँ की वस्त्राणी के हिसाब से नहीं होगी, ध्यान रखना, बहुत से सोचते हैं वस्त्राणी तो इसके हिसाब से वो बहुवचन कर देते हैं, लेकिन नहीं होगा, एक वचन होगा, क्योंकि जिस भी पद में प्रथमा विभक्ति होती है उसी के अनुसार क्रिया होगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कामुक वैश्या को धन देता है, उसी सूत्र को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं कि कामुक वैश्या को धन देता है। देखिए दोस्तों एक सूत्र होता है कि अशिष्ट व्यवहारे द्राण प्रयोगे चतुर्थी अर्थे तृतीया, अशिष्ट व्यवहारे दाणे प्रयोगे चतुर्थी अर्थे तृतीया, अर्थात दोस्तों यदि देने का प्रसंग अशिष्ट है, यानी उस वो क्या है, अशिष्ट हो, अस्वीकार्य हो, तो जिस कारक में चतुर्थी व्यक्ति होनी चाहिए थी उस कारक में तृतीय व्यक्ति होती है। यानी दोस्तों अगर देने का प्रसंग अशिष्ट है, जो समाज में अस्वीकार्य है, तो ऐसे प्रसंग में जिस कारक में चतुर्थी होनी चाहिए थी उसमें तृतीया होती है, अर्थात कामुक वैश्या को धन देता है। तो वैसे तो देखा जाए तो देने में चतुर्थी होती है, तो वैश्या में चतुर्थी होनी चाहिए थी, लेकिन ये क्या है, अशिष्ट है कि कामुक व्यक्ति जो है वो वैश्या को धन दे रहा है, इसलिए यहाँ पर अशिष्ट व्यवहार है, इसलिए यहाँ पर चतुर्थी ना हो करके तृतीया विभक्ति होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो वैश्या की तृतीया हो जाएगी वैश्या, धन की धनम ददाति, यानी कामुक के हिसाब से एक प्रथम पुरुष एक वचन ददाती आ जाएगा, कामुक है वैश्या धनम ददाती। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सभी को चाय अच्छी लगती है, तो देखिए सभी को चाय अच्छी लगती है, तो रुचि अर्थानाम प्रियमाणे एक सूत्र है, तो रुचि अर्थानाम प्रियमाणे यानी रुचि धातु के युग में जो प्रसन्न होने वाला होता है उसमें चतुर्थी व्यक्ति होती है, तो यहाँ पर देखिए रुचि धातु है यहाँ पर रोचते में, इसलिए जो प्रसन्न होने वाले कौन हैं, सभी, यानी चाय पीकर कौन प्रसन्न होते हैं, सभी प्रसन्न होते हैं, इसलिए इन सभी में चतुर्थी होगी, और सभी से बोलते हैं सर्व, सर्व का चतुर्थी हो जाएगा सर्वेभ्य, इसमें चतुर्थी व्यक्ति हो गई सर्वेभ्य, चाय चायम और रोचते। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत से समझते हैं भाई सर्वेभ्य के हिसाब से क्रिया लगेगी तो उसको रोचनते कर देंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहा था कि जिसमें प्रथमा विभक्ति हो उसी के हिसाब से क्रिया होगी, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति चाय में है, चाय के हिसाब से क्रिया होगी, तो चाय प्रथम पुरुष एकवचन के हिसाब से रोचते ही लगा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, राम रावण पर क्रोध करता है, राम रावण पर क्रोध करता है, तो देखिए दोस्तों राम का राम है, रावण पर तो क्रुद्ध है असु है ईर्ष्या नाम यम प्रतिकोप है, इस सूत्र होता है कि यानी क्रोध द्रोह असु है ईर्ष्य, इन अर्थों में जिसके प्रति क्रोध किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, तो जिस पर क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, तो देखो राम रावण पर क्रोध करता है, किस पर क्रोध करता है, वो रावण पर क्रोध करता है, इसलिए रावण में चतुर्थी होगी, तो राम में रावणाय और क्रोध करने से बोल तो कृप धातु और राम में प्रथमा है तो प्रथमा के हिसाब से अति लग जाएगा, तो इसे हो जाएगा राम में रावणाय कुप्यति, तो इस तरह से रूप बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, असुर हरि से ईर्ष्या करता है, तो असुर असुर यानी असुर है, हरि से ईर्ष्या करता है, तो देखो हरि हरि शब्द है, लेकिन वही ईर्ष्या कुप ध्रुव ईर्ष्या 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 करना, तो ईर्ष्या करने में जिससे ईर्ष्या की जा रही है, किससे की जा रही है, हरि से ईर्ष्या की जा रही है, तो हरि में चतुर्थी होगी, हरि का चतुर्थी में रूप बनेगा हरिये, चतुर्थी में रूप हो गया हरिये, तो और आगे असुर के हिसाब से हो जाएगा ईर्ष्यति, तो बनेगा असुर है हरिये ईर्ष्यति। तो दोस्तों इस तरह से ये कुछ वाक्यों को हमने कारकों के माध्यम से समझा, संस्कृत अनुवाद प्रकरण को हम कारकों को साथ में ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहे हैं और आगे भी हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। दोस्तों आपकी इस
पर क्या राय है हमें कमेंट करके बताएं। आपको अगर और भी कोई वीडियो, आपको कोई भी टॉपिक समझ में ना आ रहा हो तो हमें कमेंट करके बताएं, मैं उसी पर आपके लिए एक बहुत ही शानदार और आसान ट्रिक में वीडियो लिख रहाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो लगा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें इसे और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।